संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार है। यीशु नगर नगर गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर यीशु ने उनसे कहा, सांकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार कटकटाने और कहने लगोगे, प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दीजिए, वो तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहां के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। परंतु वो तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहां के हो। कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो, जब तुम इब्राहिम इजहाक याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे तो तुम रोओगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो कुछ जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार है। एक नदी में मेंढकी रहती थी, बहुत मोटी सी मेंढकी, और उसके 7 बच्चे थे। उनका परिवार बहुत खुशी से चलता था। ये मेंढकी इन बच्चों को बहुत बढ़िया से देखभाल करती थी, खान पीना देना और अन्य जीव जंतुओं से उनको संभाल के रखना बहुत अच्छे से करती थी। एक दिन माँ मेंढकी अपने बच्चों से कहती है, मुझे बाहर जाना है, किसी से मिलना है, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। और मेंढकी चली जाती है। ये 7 बच्चे उसी नदी में रहते हैं। दिन ढलने सा लगता है, ये बच्चे मेंढक के डरने लगते हैं, मम्मी अभी तक नहीं आई है। और उनको ढूंढते ढूंढते ये नदी किनारे पहुंच जाते हैं और इंतजार करते हैं अपने माँ का आने का। उसी समय एक बड़ा सा जानवर यानी गाय पानी पीने के लिए उस नदी किनारे पहुंच जाती है और इस गाय को देखकर ये बच्चे डरने लगते हैं। इतने बड़ा सा जानवर, वो सोचते हैं ये हमें निगल देगा, इसलिए वो धर किनारे आगे होते हैं। गाय अपने पानी पीने के बाद वहां से चली जाती है और ये लोग मां का इंतजार में वहीं खड़े रहते हैं। जैसे अंधेरा होने लगता है, मां लौटती है और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, मां से मिलते हैं और उस खुशी में बोलने लगते हैं, हमने आज बहुत बड़ा सा जानवर देखा, हम आपको इंतजार कर रहे थे, वो यहां पानी पीने आया था, बहुत बड़ा सा है। तो मेंढकी अपने को थोड़ा फुलाती और पूछती, क्या इतना बड़ा था? बच्चे कहे, नहीं और बड़ा, और फुलाती है। ये 4-5 फुलाने के बाद आखिर में फट जाती है और मर जाती है। क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कहा गया है, घमंड
अपने को नष्ट करता है, घमंड अपने को नष्ट करता है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार को यदि अपने ध्यान से सुना, कहते हैं प्रभु मुक्ति का रास्ता बहुत कठिन है, मुक्ति का रास्ता बहुत कठिन है। प्रभु कहते हैं सांकरे द्वार से प्रवेश करो। जब इनसे पूछते हैं कौन कौन बच पाएंगे, मुक्ति किसके लिए है, प्रभु कहते हैं सांकरे रास्ते से प्रवेश करो। इसका अर्थ, इसका मर्म क्या है, सांकरा रास्ता क्या है? क्या स्वर्गराज पहुंचने के लिए हमें कोई रास्ता अपनाना है? मेरे प्यारे विश्वासियों, यह सांकरे रास्ते आने अपने आप को छोटा मानना, प्रभु का क्रूस को उठाना, दैनिक जीवन में जो दुख तकलीफ है उसे भागना नहीं, घमंड से दूर होना, मलिनता से दूर होना, दूसरों की सेवा में अपना जीवन बिताना, दूसरों के हित के लिए काम करना, मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, ये कठिन है लेकिन ये स्वर्ग राज्य का रास्ता है, यही है सांकरा द्वार। हम देखते हैं जब हम घमंड से भरे होते हैं, मलिनता से भरे होते हैं, हम दूसरों को नीचा गिराते हैं, दूसरों को अपने से छोटा मानते हैं, उनकी सेवा में अपने जीवन नहीं बिताते हैं, उनके हित के लिए काम नहीं करते, उनको समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन प्रभु आज चाहते हैं और सुसमाचार के अंत में यही कहते हैं, जो कुछ पिछले हैं वह अगले हो जाएंगे और जो कुछ अगले हैं पिछली हो जाएंगे। या जो अपने आप को बड़ा मानते हैं, घमंड से भरे होते हैं, ईर्ष्या से भरे होते हैं, वो क्या सोचते हैं, हम सबसे बड़े हैं। अहंकार, अहम, ईर्ष्या, अपने आप को सोचना, अपने के लिए काम करना, प्रभु कहते हैं स्वर्ग राज्य में वो पिछले हो जाएंगे। लेकिन जो इस संसार में अपने को दीनहीन मानते, दूसरों के हित के लिए काम करते, कठिनाइयों को रास्ता अपनाते, ये ख्रीस्त स्वर्ग राज्य में अगले होंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें यह पूछना है क्या मैं सांकरा द्वार को अपनाने के लिए तैयार हूं, स्वर्ग राज्य को अपनाने के लिए तैयार हूं, क्या मैं काबिल हूं प्रभु के रास्ते में चलने के लिए? प्रभु का रास्ता क्या है? प्रभु स्वयं संत योहान का सुसमाचार में कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन में हूं, यानी प्रभु के जीवन के ऊपर मनन चिंतन करते हुए उनकी जो खूबियां हैं, जो उनके गुण हैं, अपनाना और उसको अपना रास्ता बनाना। कोई आपका समय मांगता होगा, कोई आपसे मदद मांगते होंगे, कोई 2 रुपया आपसे मांगते होंगे, जरूरतमंद आपके पास आते होंगे। यदि हम स्वर्ग राज्य पहुंचना चाहते हैं, ये सांकरा रास्ता अपनाना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरी मुलाकात में आते हैं, मैं जान पहचान में है, जो दूसरों के हित के लिए काम करते हैं, अपने को छोटा बनाकर दूसरों को आगे भेजते हैं। यही है मुक्ति का मार्ग, मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो आइए आज जब हम इस बलिदान में भाग लेंगे, सुसमाचार को सुनेंगे, प्रभु को उस रोटी में ग्रहण करेंगे, यही पूछे क्या मैं तैयार हूं उस रास्ता को अपनाने के लिए, क्या मैं तैयार हूं मुक्ति को अपनाने के लिए, क्या मैं तैयार हूं सांकरा रास्ते से चलने के लिए। चौड़ा रास्ता कोई भी चल सकता है, कोई भी जा सकता है, लेकिन भटक जाएंगे, सांकरा रास्ता जाएंगे, हमारा ध्यान एक ही ओर आकर्षित होगा और हम अपना गंतव्य स्थान यानी मुक्ति यानी प्रभु यीशु को अपनाएंगे। 2 चीजों का आज याद रखिएगा, सबसे पहले स्वर्ग का राज्य सांकरा है, कठिन है, यानी मुक्ति का मार्ग कठिन है। दूसरी बात,
यही मुक्ति का मार्ग पर चलने पर प्रभु का अनुभव हमें होता है, प्रभु की शक्ति हमें मिलती है, और खास करके प्रभु अपने में हमारे जीवन में आते हैं। जो अगले हैं वे पिछले हो जाएंगे, जो पिछले हैं वो अगले हो जाएंगे। हम प्रार्थना करें, प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके सभी वरदानों के लिए, कृपाओं के लिए। आज जब हम इस बलिदान में भाग लेंगे, इस सुसमाचार को सुनेंगे, हमारे जीवन में बदलाव लाइए, हम उस सांकरा रास्ते को अपनाते हुए अपने जीवन में मुक्ति ग्रहण करें। आमीन। प्रभु आप सबको अपने आशीष और कृपा से भर दें। जय यीशु।